स्वागत है आप लोगों का एक न्यू ब्लॉग्स में। सो दोस्तों, मेरा वीडियो का लास्ट हम तक देखिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम लेके आए दो पैकेट। तो इधर पानी गर्म होने के लिए दे दिए हैं, पानी गर्म हो रहा है और इसको गर्म पानी से धोएंगे। शुरू करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। पानी को निकाल लेते हैं। दोस्तों देखिए, गर्म पानी में डाल दिए हैं, इसको धो रहे हैं अच्छे से। इसका कलर चेंज हो गया, ऐसा गर्म पानी में दे दिए थे। गर्म पानी में ही धोना चाहिए, क्या कि इसमें बहुत तरह का बैक्टीरिया हो सकता है, इसलिए गर्म पानी में अच्छी तरह से धो रहे हैं। दोस्तों एक बार गर्म पानी से देखिए कैसा कलर आ गया इसका, पूरा पानी का चेंज हो गया। इसको धोना पड़ेगा, 3-4 बार में धोने से अच्छा नहीं होगा। इसको बोलते हैं बटन मशरूम दोस्तों, इसको बटन मशरूम बोलते हैं। सबको एक एक करके धोना पड़ेगा दोस्तों। आज का दिन काफी गर्मी, पूरा कटा गया हम लोग का, मतलब धोआ गया, 3-4 बार धो लिए। अब इसको काटते हैं, जो बड़ा होगा उसको चार करेंगे इस तरह से। ज्यादा बड़ा हो गया उसको, और छोटा पूरा कटा गया है। अब इसको प्याज काट लेते हैं पहले, उसको छानना होगा दोस्तों फ्राई करने के लिए। तेल थोड़ा डाल दे रहे हैं, तो फ्राई किया है, फ्राई करना जरूरी है।
तो प्याज मेरा भुंजा गया है, इसको निकाल लेते हैं। इसको आँच को कम कर देते हैं पहले छोटे पहले, और इसको पूरा निकाल लेते हैं। ठंडा होकर इसको कढ़ाई पर निकाल लेते हैं। गरम गरम नहीं पीसना चाहिए, इसको ठंडा ही बन देते हैं। ये टमाटर पीस लेता हूँ, क्योंकि पहले टमाटर ही डालेगा मिक्सर में। तो किधर है लोग, पानी चाहिए का। दोस्तों टमाटर हमने पीस लिया, देख सकते हैं। अब इसको अलग से निकाल लेते हैं। आजकल मिक्सर भी हम लोग का थोड़ा खराब हो गया है। काजू भी? हाँ काजू है। थोड़ा आगे के प्रक्रिया और इसी तरीके से बनाइएगा तब बहुत मजा आएगा दोस्तों, स्वाद बढ़ जाता है। देखिए फिर तेल डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ा तेल तो डालना ही पड़ेगा।
आ जाएगा तभी रेडी हो जाएगा। थोड़ा देर के लिए ढक दिए हैं। तो दोस्तों हम लोग ट्राई करके देखते हैं। बाप बेटा चलो बाबू जी ट्राई कीजिए कैसा लगा देखा जाए। कैसा लगा मटन मटन गरम मसाला तो थोड़ा ज़्यादा है बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आप लोग भी घर में बनाइएगा इसी तरीके से बहुत मस्त लगा। आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों। पसंद आएगा तो मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।